हेलो फिर सर, आज का जो हमारा जो पार्ट होगा वीडियो का, वो होगा नवंबर 2017 का ये पेपर है। इस पर आज पार्ट टू करेंगे ना, पार्ट टू यानी मेडिवल। ठीक है, ये करेंगे हम इसमें आज। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को का केंद्र भी बनाया, है ना। यह उल्लेखनीय कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया, बल्कि इसे हजरत दिल्ली या शहर कहा गया। वह कौन सा सुल्तान था, किस सुल्तान के समय दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा गया। देखिए, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी किसने बनाया, पहले यहां से देख लो। दिल्ली को किसने बनाया, इनका तुम्हें क्योंकि नोट कर लो, दिल्ली की सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने बनाया। उसके बाद सल्तनत का पहला शासक जिसने मानक मुद्रा चलाई, ठीक इसने चलाया चांदी का टंका। तांबे का अधिकतर है ना, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। अच्छा, उसके बाद दिल्ली भारत में पहला मकबरा बनवाया। ठीक है, भारत में दिल्ली में दो मदरसे, दिल्ली में मदरसे बनवाए उसने। मदरसा ए नाजरिया, म्यूजिया, मदरसा ए म्यूजिया। एक मोहम्मद गौरी के नाम पे और एक उसके पुत्र नासिरुद्दीन के नाम पर। ठीक है, उसके समय क्या होता है कि उसके समय मिनहाज हैं, ठीक है, अनेक ऐसे लोग हैं जो चंगे मंगोलों के, आप ये कह लीजिए चंगेज, या ये कह लीजिए मंगोलों मंगोलों से तंग होकर बड़ी संख्या में विद्वान कलाकार लोग कहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं ना, दिल्ली उनका शरण स्थल बनता है ना। दिल्ली क्या बनता है, उनके लिए शरण स्थल बनता है। आरपी त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को क्या कहा है, दिल्ली इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है।
ठीक है। तो हजरत दिल्ली का मतलब अमीर खुसरो क्या कहता है, अमीर खुसरो ने इसको क्या कहा, अमीर खुसरो ने हजरत से मतलब इसे प्रतिभाशाली दिल्ली कहा है। क्या कहा है, प्रतिभाशाली दिल्ली है ना। तो ये किसके, तो इसी किसके समय में, कि इल्तुतमिश के बारे में कह रहा हो ना, सारी बातें किसके लिए है, इल्तुतमिश के लिए। चलिए, बलबन पहला सुल्तान जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया। सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसने दीवाने अर्ज बनाया, दीवाने अर्ज। इसने सिखों की, सिख नामक इकाई बनाई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, आप जानते हैं कि इसको सल्तनत का समुद्रगुप्त कहते हैं। प्रथम साम्राज्यवादी सुल्तान, स्थाई सेना सर्वप्रथम रखता है, स्थाई सेना, नगद वेतन, दाग हुलिया, है ना। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते हैं, किसको अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है ना। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कहते हैं इसको। दूसरा इसको अर्थशास्त्री कहते हैं, धनवानों का राजकुमार कहते हैं। और बर्नी ने इसको क्या कहा है, बर्नी ने नाकाम योजनाओं का कर्ता धर्ता। इसामी ने इस्लाम का दुश्मन कहा है इसको। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा सूफियों का संवाद का संकलन नहीं है। सूफियों का जो आपस में वार्तालाप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मलफूजात कहते हैं, सूफियों के वार्तालाप को। मलफूजात कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला जो है, पहला मलफूजात है फवायदुल फवाद है। फवायदुल फवाद किसने लिखा था, अमीर हसन सीजी देहलवी का है ये। है ना, इसको भारत का शादी कहते हैं इसको ना। भारत का शेख शादी, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, फायद फ्रवाद में
इसमें निजामुद्दीन औलिया के डूइंग एंड सेइंग है। ठीक है, उसके बाद खैर उल मजलिस ये लिखा था हमीद कलंदर ने। इसमें किसका है? इसमें नासिरुद्दीन चिरागे देलवी का है। ठीक है, नासिरुद्दीन चिराग़ देहलवी का इसमें। और मतलाउन-नवर, ये मतलाउन-नवर है, ये मलफूजात नहीं है, ये क्या है? ये इसका आंसर है, इस ये अमीर खुसरो की रचना है। इसकी रचना ही अमीर खुसरो की रचना। सुरूर सुदूर इसमें क्या है? शेख अहमद हमीदुद्दीन नागौरी के हैं इसमें ना। ठीक है, ये फरीदुद्दीन अहमद ने लिखी थी। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्ताना अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम नहीं? निम्न में से कौन सा सुल्तान के जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो नियम अनाज के मूल्यों को लेकर नियम बनाए थे उसका वो नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एक पहला सुल्तान है जो किस बात को समझता है, जो जिसने अनाज के मूल्य निश्चित किए। सुल्तान ने अनाज के मूल्य को निर्धारित किया, बिल्कुल सही किया उसने ना। सबसे कठिन नियम था ये ना, उसने बाहर टेबल लगवा दी, आज भी होता है जैसे, लेकिन उनका पालन नहीं होता है ना। इनका निर्धारण करना, उसने गेहूं का जो मूल्य था वो कितना था? गेहूं का 7.5 जितल पर मन, 7.5 जितल पर मन। पर मन का मतलब है 40 केजी। ठीक है, और चना जो क्या रेट था? आज तो ये गेहूं गेहूं से बहुत महंगा हो चुका, पहले सस्ता होता था। 5 जितल पर मन के हिसाब से है सारे ये। जौ 4 जितल पर मन है ना। बढ़िया जो घोड़ा होता है उसकी कीमत क्या थी? बढ़िया घोड़े की कीमत रेट होता था 100 से लेकर 120 टंका। ठीक है, ये रेट उसने निर्धारित किया। ठीक है, ये उसने वो किया। दूसरा, उसने राशि अनाज को अनेक भंडार ग्रहों में भंडारण, उसने अनाज का जो भंडारण करवाया ना, उसने क्या किया? अनाज को भंडारित करवाया। और इसका इब्न बतूता लिखता है, उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संग्रहित चावल खाए थे। अभी समझ सकते हैं कैसी भंडारण प्रणाली थी। ठीक है, उसने
उसके बाद उसने क्या किया, सहना, जो सहना को नियुक्त किया उसने, सहना ही मंडी को। हाँ सहना का काम क्या था, सहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेच सकते। सहना क्या करता था, सभी व्यापारियों सौदागरों का रजिस्टर रखता था ना, किसने कितना खरीदा ना, सभी को, सभी सेना के कार्यालय में सभी क्या करते थे कि सेना के कार्यालय में सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। ठीक है, सूखे समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना सिद्ध किए किसी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाजत नहीं थी, ऐसा कुछ उसके समय नहीं था। तो ये तीन है उसके, डी इसका आंसर है ना। और माप तोल का एक अधिकारी होता था, माप तोल का अधिकारी नियुक्त किया, कहते हैं अगर उसके समय में कोई कम तोलता था तो उसके मांस के टुकड़े को काट के तोल दिया जाता था, है ना। तो उसने ये नियम लागू किए थे, ठीक है, जिसका उद्देश्य है क्या था, जिसका उद्देश्य महंगाई को कम करना था, काला बाजारी को रोकना। सूची एक को इसमें बताना है, निम्न में से किस पुस्तक में भारी वजन उठाने के लिए चरखी के प्रयोग, चरखी के प्रयोग, एक तो था चरखा, चरखी, तो इसामी की फुतुह सलातिन में किसका प्रयोग है, चरखे का, सर्वप्रथम सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख है। ठीक है, इसामी की फुतुह सलातिन, और इसमें इसामी की फुतुह सलातिन क्या है, प्रांतीय राजवंशों का इतिहास लिखने का पहला प्रथम प्रयास है, ये राजवंशों का इतिहास है। ठीक ठीक है, भरने की तारीखें फिरोजशाही में क्या है, इसको दिल्ली सल्तनत का गजेटियर कहते हैं, ठीक है। अफीफ की तारीखें फिरोजशाही और सीरते फिरोजशाही में क्या है, चरखी का वर्णन कहाँ किया गया था, अशोक, अशोक के स्तंभों को दिल्ली ले गया अशोक उठाने के लिए। है ना, एक कहाँ से लेके आया था, टोपरा और मेरठ से, फिर उसे दिल्ली लेके आया था।
ठीक है। तो अफीफ क्या खास बात है, ये आम जन का इतिहास लिखने वाला के बारे में लिखने वाला। सल्तनत का पहला इतिहासकार है, इसको अबुल फजल का पुरोगामी कहते हैं। इसने भी तारीख़ फिरोजशाही लिखी है, इसने भी ना, ये दो लोग हैं जिसने तारीख़ फिरोजशाही लिखी है। इसका उत्तर आएगा सी और डी। सीरत ए फिरोजशाही का लेखक अज्ञात है। ठीक है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए और उत्तर हमें बताइए। देखिए, सरे खेल क्या होता था, सैन्य अधिकारी, सबसे छोटा सैन्य अधिकारी। सरे खेल होते थे 10 सैनिक, एक सरे खेल होता था, और 10 सरे खेल ना, एक सी पे सलार होता है, और 10 सी पे सलार, एक मलिक होता था, एक अमीर, 10 अमीर, एक मलिक, 10 मलिक, एक खान होता। और खान सबसे होता, खान एक तुमान का जिक्र मिलता, तुमान 10,000 सैनिकों की टुकड़ी। जिक्र किसने किया है, जिक्र किरण उस सादेन में, अमीर खुसरो। ठीक है, सिलेदार होता था, 70 सैनिक, सिफे खाना अस्पताल है ना, दारुल शफा जिसको बोलते हैं। किसने स्थापित किया था सल्तनत काल में, फिरोज शाह तुगलक ने। और मुगल काल में जहांगीर ना, और शबनवीस होते थे, रात्रि लेखक। ठीक है, उत्तर क्या है, 1 का 4, एक में ही है, वो डी हो जाता है इसलिए। सुल्तान गहरी धार्मिक प्रकृति वाला था, वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज कर अदा करता था, और रमजान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था। वह सूफियों, विद्वानों और ब्राह्मण का बड़ा आदर करता था ना, पंडितों का बड़ा आदर करता था, और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामले में शेखुल इस्लाम की राय लेता था, उलेमा से उसके अच्छे संबंध थे। ये किस शासक के बारे में, इतनी सारी अच्छी बातें, जैनुलाबदीन जिसको कश्मीर का अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कश्मीर का अकबर कहते हैं इसको ना, कश्मीर का अकबर कहते हैं, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कश्मीर का इसको अकबर कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं।
जिसने शासन किया था 1420 से लेकर 1470। और इसने क्या किया वहां पर, ये इसने जजिया हटाया, और ये किसी को कैद में, अपराधियों को कैद में नहीं करता था। क्या करता था, उन्हें सार्वजनिक निर्माण कार्यों में लगा देता था। ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, ठीक है, उन्हें सार्वजनिक निर्माण कार्यों में लगा देता था। इसने गोवध पर रोक लगाई, सती प्रथा। इसने हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए सती प्रथा पर लगा प्रतिबंध हटाया। मेवाड़ के शासकों को कालक्रम में रखिए, मेवाड़ के जो शासक हैं, ये मेवाड़ जो है अपने सिसोदिया वंश था, यहाँ पर यह एकमात्र वंश है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इसमें पहला जो शासक वो कौन है, राणा रायमल हैं, जो 1473 से लेकर 1473 से 1504 हैं। ठीक है, और उसके बाद पंद्रह सौ नौ में राणा सांगा, जिसको क्या बोलते हैं, राणा सांगा, पंद्रह सौ नौ से 27, जो बाबर के साथ खानवा युद्ध लड़ता था, ये हार गया फिर उसमें। उसके बाद इसने राणा उदा जो है, राणा उदा 1468 से 1473 है ना, और उसके बाद राणा कुंभा 1433 से लेकर 1468। ठीक है, ये जो मेनली जाना जाता है ना, मेवाड़ को शक्तिशाली राज्य बनाने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है ना। नहीं को जाता है,
ठीक है, ये महमूद खिलजी को है ना, महमूद मालवा का शासक था ये। को सारंगपुर के युद्ध में हरा कर, है ना। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था ये पूछ लेगा आपसे, 1437 में हरा कर बंदी बना के मेवाड़ लिया आया था। ठीक है, चित्तौड़ लिया है, मतलब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी ना। ठीक है, और दूसरा इसने चित्तौड़ में 1448 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाया। ठीक है, ये था। तो सबसे पहले तो डी आएगा इसमें, डी के बाद सी आएगा और फिर ए आएगा। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने रसद नामा में श्री गोरख अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? तो ये रचना किसकी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्ती परंपरा के संस्थापक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये गोरी की सेनाओं के साथ भारत आए ना, ठीक है, गोरी की सेनाओं के साथ भारत आए थे। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको ख्वाजा साहब बोलते हैं ना। इनको क्या बोलते हैं, ख्वाजा साहब या गरीब नवाज भी कहते हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक नागौरी जो है इनको सुल्तान ताराकिन कहते हैं ना, ताराकिन। किसने कहा ये? मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था इनको ना, मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था इनको। और ये शाकाहारी संत थे, सूफी संत। का पालन किया ये, नागौर में खेती करते थे। हिंदी का बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलचाल में हिंदी का प्रयोग करते थे और इन्होंने सबको कहा कि मांसाहार त्याग दो ना। शेख अब्दुल कदूस गंगोही, शेख अब्दुल कदूस गंगोही जो हैं, इनका उपनाम था अलख, है ना, या अलख दास।
इन्होंने रसदनामा लिखा किताब में, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते थे, अलक निरंजन अगोचर है, अलक निरंजन अगोचर है, खुदा एवं निरंजन एक ही है, खुदा और निरंजन एक ही है, ठीक है। ये इन्होंने वर्णन किया है ना, ये पेड़ से उल्टा लटकर पूजा करते थे, पेड़ से पर पूजा करते थे, ठीक है, पेड़ से उल्टा लटककर पूजा करते थे। और इन्होंने सिकंदर लोदी वह बाबर को क्या पत्र लिखा, भारत में शरीयत लागू करने के लिए पत्र लिखा, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारा उत्तर ये है। शेख निजामुद्दीन औलिया आप जानते हैं, एकमात्र अविवाहित चिश्ती संत, ठीक है, एकमात्र इनको क्या कहते हैं, महबूबे इलाही, क्या कहते हैं, एकमात्र कि महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए तो हमारा